आज हम लोग एक नया ऑपरेशन जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड द सर्च ऑपरेशन ऑन द लिंक लिस्ट हमने जो पिछला ऑपरेशन किया था दैट वाज ट्रवर्स ऑपरेशन ट्रेवर्स ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है प्रोसेसिंग ईच नोड एग्जैक्टली वंस हमें हर नोड को प्रोसेस करना है और एग्जेक्टली exactly वंस करना है किसी भी नोड को छोड़ना नहीं है और किसी भी नोड को दो बार प्रोसेस नहीं करना है देन वट इज सर्च ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन इज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ नोड जिसकी वैल्यू या इंफॉर्मेशन पार्ट की वैल्यू मैच कर जाए जिस आइटम के साथ जिसे हम लोग सर्च कर रहे हैं आई रिपीट फॉर एग्जाम्पल हमें एक वैल्यू दी गई है अस सपोज एटी हम लोग हमारी लिंक लिस्ट के अंदर एक ऐसी नोड को सर्च करना चाहते हैं जिसका इंफॉर्मेशन पार्ट यानी वैल्यू पार्ट इज़ ओके, वी विल स्टार्ट अगेन हम लोग एक बार फिर से आ, स्टार्ट करते हैं तो वी आर लुकिंग फॉर अ नोड हम लोग एक ऐसी नोड को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका इंफॉर्मेशन पार्ट जो है वो 80 होना चाहिए ओके तो जो भी एड्रेस आएगा उस नोड का हम लोग उसको एक पॉइंटर में सेव कर लेंगे जैसे कि एल ओ सी तो एल एक वो पॉइंटर है जिसके अंदर हम लोग एड्रेस सेव करेंगे उस नोड का जिसकी वैल्यू इंफॉर्मेशन पार्ट की वैल्यू 80 होनी चाहिए हम लोग एक और पॉइंटर मेंटेन करेंगे दैट इज कॉल्ड एल ओ सी पी इट स्टैंड फॉर लोकेशन ऑफ द प्रीवियस नोड हम इसको यूज करेंगे टू स्टोर द लोकेशन ऑफ द प्रीवियस नोड। अगर हमें एक नोड मिल जाती है तो उसकी प्रीवियस नोड का एड्रेस क्या है हम लोग उसको सेव करेंगे एल ओ सी पी के अंदर आई uh, होप आप ये फिगर देख पा रहे हैं इस फिगर के अंदर अगर आप देखें तो आपकी uh, हम टू वैल्यू टू को सर्च करना चाहते हैं तो आपकी फर्स्ट नोड का एड्रेस है वन हंड्रेड और उसकी वैल्यू कितनी है थ्री इसका मतलब क्या है कि ये वाली नोड की वैल्यू हमारी आइटम के साथ मैच नहीं करती है तो हम लोग सेकेंड नोड पर जाएंगे सेकेंड नोड का एल ओ सी कितना है सिक्सटी इसके इंफॉर्मेशन पार्ट की वैल्यू कितनी है टेन क्या ये हमारी आइटम के साथ मैच करती है आंसर इज नो तो हम लोग मूव करेंगे आपकी थर्ड नोड पे नाउ एल ओ सी इज 80। आइटम द वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन पार्ट इज टू क्या ये मैच करती है आपके आइटम के साथ द आंसर इज यस इसका मतलब क्या है कि हमें वो नोड मिल गई है जिसको हम लोग सर्च कर रहे थे तो अब हम लोग क्या रिटर्न करेंगे इसका एड्रेस इसकी लोकेशन की ये नोड हमें किस एड्रेस पर मिली है तो व्हाट इज द आंसर ये हमें कहां पर मिली है 80 पर तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल ओ सी द वैल्यू ऑफ एल ओ सी इज एट्टी और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रीवियस नोड एल ओ सी पी प्रीवियस नोड का एड्रेस क्या है द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड इज सिक्सटी आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरी वन हम लोग आइटम टू को सर्च कर रहे थे जो हमें थर्ड नोड पर मिली थर्ड नोड का एड्रेस क्या है एटी और सेकेंड नोड का एड्रेस क्या है एल ओ सी पी अब इसी के साथ मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स और देना चाहता हूं जैसे आप एक आइटम को सर्च कर रहे हैं और उस आइटम की वैल्यू है थ्री तो ये कौन सी नोड है दिस इज द फर्स्ट नोड यानी हम जिस नोड को सर्च कर रहे हैं वो हमारी पहली नोड है तो वट विल बी द वैल्यू ऑफ एल ओ सी एल ओ सी की वैल्यू कितनी होगी एल ओ सी की वैल्यू हंड्रेड होगी क्योंकि ये लोकेशन uh, या एड्रेस है हमारी फर्स्ट नोड का वट वि वैल्यू ऑफ एल ओ सी पी यानी प्रीवियस नोड अब इसकी प्रीवियस नोड ही नहीं है फाइंड आउट किया है सर्च किया है वो पहली नोट थी और पहली नोट की प्रीवियस नोड नहीं होती है दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एल ओ सी पी विल बी नल आई होप इट इज क्लियर अगर हमें जो नोड सर्च कर रहे हैं वो थर्ड नोड है तो एल ओ सी एड्रेस ऑफ थर्ड नोड एल ओ सी पी एड्रेस ऑफ सेकेंड नोड अगर हम जिस नोड को सर्च कर रहे हैं वो हमारी फर्स्ट नोड है तो एल ओ सी इज अवर फर्स्ट नोड एंड एल ओ सी पी इज नल मतलब इसके पीछे कोई भी नोड नहीं है लास्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग एक ऐसी आइटम को सर्च कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है थर्टी थ्री तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि थर्टी थ्री वैल्यू वाली नोड एग्जिस्ट ही नहीं करती है दैट मीन हमें नहीं मिली तो उसका एल ओ सी और एल ओ सी पी दोनों ही नल होंगे

नाउ वी विल डिस्कस द एल्गोरिदम फॉर द सर्च हम लोग सर्च का एल्गोरिदम करेंगे हम लोग स्टार्ट से शुरू करेंगे जैसे कि ट्रेवर्सल में शुरू किया था तो एक टेम्प एक टेम्प एक पॉइंटर है इसके अंदर स्टार्ट का एड्रेस डाल दिया ठीक है तो हम लोग स्टार्ट से शुरू करेंगे तो टेम्प के अंदर स्टार्ट का एड्रेस डाल दिया है एल ओ सी पी क्योंकि हम लोग स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं तो इसकी प्रीवियस नोड नहीं होगी इसलिए इसकी प्रीवियस नोड जो है वो नल है हम लोग स्टार्ट से शुरू करेंगे और एंड तक जाएंगे कहां तक जाना है सिमिलर टू ट्रेवर्सल जब तक टेम्प की वैल्यू नल नहीं हो जाती है तो आई रिपीट हम लोग स्टार्ट से शुरू करेंगे और तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक इसकी वैल्यू नल नहीं हो जाती है तो हमें करना क्या है हमें करना यह है कि आप जिस आइटम को सर्च कर रहे हैं आप टेम्प के इंफॉर्मेशन पार्ट के साथ उसको मैच कीजिए अगर तो मैच कर गया दैट मीन्स यू हैव फाउंड द नोड तो आप क्या करेंगे आप सिंपली लोकेशन इज इक्वल टू टेम्प कर देंगे कि मुझे नोड मिल गई है और कहां पर मिली है एट द लोकेशन टेम्प और अगर आपको नोड नहीं मिली है तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट नोड वो कैसे नेक्स्ट नोड पर कैसे मूव करते हैं जब हम नेक्स्ट पर मूव करेंगे तो आपकी करंट नोड जो है वो आपकी प्रीवियस नोड बन जाएगी करंट नोड क्या है टेम और ये क्या बन गई आपकी प्रीवियस नोड। और आगे कैसे बढ़ते हैं टेम इज इक्वल टू लिंक ऑफ टेम दैट इज इट आपकी एल्गोरिदम खत्म स्टार्ट कैसे किया हमने स्टार्ट किया स्टार्ट से बिकॉज स्टार्ट के अंदर एड्रेस होता है आपकी फर्स्ट नोड का कहां तक जाएंगे जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता हमें करना क्या है आइटम को इंफॉर्मेशन पार्ट के साथ मैच करना है अगर मिल गया तो बात खत्म लोकेशन इज इक्वल टू टेम्प अगर मैच नहीं किया तो करंट नोड को प्रीवियस नोड बना दीजिए और आगे की तरफ बढ़ जाइए टेम्प इज इक्वल टू लिंक ऑफ टेम्प दैट इज द एंड ऑफ द लूप अब हमें आंसर को रिटर्न भी करना है तो आप रिटर्न कर सकते हैं तो अगर आपको नोड नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर सिंपली uh, uh, लिख सकते हैं कि ना तो हमें लोकेशन मिली ना ही उसका एल पी मिला और अगर मिल गया यहाँ पर मिल गया तो हम लोग एल्गोरिदम से एग्जिट कर जाएंगे सो स्टूडेंट्स अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज टाइप येस इन द चैट विंडो अदरवाइज यू कैन आस्क यूर क्वेश्चन